To start a new lesson in history, lesson number 6. The name of our lesson is Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Basically, in this chapter, we will discuss about in the past time how men become rulers. That means, the past time mein jo men hote the, wo kaise leader ya rulers bante the. Agar aap past present scenario ki baat kare, to present time mein एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, हम अपने लीडर को कैसे चूज करते हैं, बाय वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, उनको चूज करते हैं. और एवरी सिटीजन हु 18 ईयर और ओल्डर है राइट टू वोट. जो भी सिटीजन है कंट्री का, डेमोक्रेटिक कंट्री में, उसकी एज अगर 18 ईयर या उससे ज्यादा है तो उसके पास क्या है, राइट टू वोट. यानी कि वो वोट देके क्या कर सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है या चूज कर सकता है. लेकिन पास्ट टाइम में जो मेन थे वो रूलर कैसे बनते थे, दे वर बिकम रूलर बाय परफॉर्मिंग अश्वमेधा और सैक्रिफाइस. यानी कि वो क्या करते थे, अश्वमेधा एक यज्ञ परफॉर्म करते थे. आपने अश्वमेधा यज्ञ के बारे में शायद रामायण में सुना होगा. नाउ व्हाट इज अश्वमेधा यज्ञ, अश्वमेधा यज्ञ एक अपना और सैक्रिफाइस एक रिचुअल है. अब क्या होता है रिचुअल में, मैं आपको डिस्कस करूंगी. It was a ritual used to recognize men as Raja. ये जो अश्वमेधा और सैक्रिफाइस है, ये क्या है, एक रिचुअल है जिसमें क्या है, एक मैन को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता था, जो मैन इस रिचुअल को परफॉर्म करता था अश्वमेधा को, उसको क्या रिकॉग्नाइज किया जाता था, एज राजा या किंग. A horse was left to wander freely. इसमें क्या किया जाता था, एक हॉर्स को रिलीज किया जाता था फ्रीली वॉन्डर, यानी कि वो कहीं भी जा सकता है. हॉर्स को रिलीज करता था एक मैन. उसके बाद क्या होता है, इफ इट्स वॉन्डर इनटू अनदर किंगडम एंड द किंग ऑफ दैट किंगडम स्टॉप इट, दे हैड टू फाइट. अब जिस मैन ने क्या किया है, हॉर्स को क्या किया, रिलीज किया है, अगर वो जो हॉर्स है वो किसी और किंगडम में क्या कर जाता है, पहुंच जाता है, तो जो दूसरे किंगडम का जो राजा है, अगर वो इस हॉर्स को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, तो उन दोनों जो मैन है या जो दोनों किंग्स है उनके बीच में क्या होता है, उन दोनों को आपस में क्या करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है. ठीक है, इन दोनों को जिनके किंगडम में जो हॉर्स है वो रीच होता है, पहुंचता है, और जिसने उस हॉर्स को क्या किया, रिलीज किया है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, फाइट होती है. आफ्टर दैट द राजा हु सक्सीडेड इन द चैलेंज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज स्ट्रॉन्गर. अब जब उन दोनों के बीच में फाइट होती है, तो उस फाइट में जो भी क्या होता है, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है या जो विनर होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर, वो क्या होता है, राजा. आगे आपको समझ में, अब इस अश्वमेधा यज्ञ में क्या है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं. जो लोग हैं वो कौन कौन है, अब अश्वमेधा यज्ञ जो है हॉर्स सैक्रिफाइस, इसमें जो किंग है उसका प्लेस कैसा होता है, सेंटर प्लेस होता है. दैट मीन उसका प्लेस क्या होता है, थ्रोन, थ्रोन मीन सिंहासन. ठीक है, अब मैं इसको बात कर देती हूँ. यहाँ पे इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. अब वो सबसे जो सेंट्रल प्लेस होता है वो किसका होता है, एक किंग का. ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन है जो इंक्लूड होता है इसमें, किंग. ठीक है, इनका कौन सा प्लेस होता है, सेंट्रल प्लेस. सेंट्रल प्लेस किसका होता है, किंग का. दैट मीन इनको क्या करते हैं, एक स्पेशल सीट पे प्लेस किया जाता है. स्पेशल सीट यानी उनको सिंहासन पे बिठाया जाता है. उसके बाद आफ्टर दैट किंग्स की वाइफ्स एंड सन, उसके बाद के किंग की जो वाइफ और सन होते हैं वो भी क्या करते हैं, इस रिचुअल में पार्टिसिपेट करते हैं. आफ्टर दैट उसके बाद जो अदर किंग्स हैं, किंग्स ऑफ अदर किंगडम, अब जो अदर किंगडम यानी कि दूसरे राज्य के जो राजा है वो भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अश्वमेधा रिचुअल्स में. ठीक है, ये क्या करते हैं, सिर्फ वॉच करते हैं उस रिचुअल्स को, क्या करते हैं, सिर्फ वॉच करते हैं, देखते हैं, और किंग्स के लिए क्या करते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं. फोर्थ है प्रिस्ट, जो प्रिस्ट है जिनको हम कहते हैं पुजारी, ये क्या करते हैं, सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं. ये क्या करते हैं, किंग के ऊपर एक जो स्केट बॉटल होता है जिसको हम पवित्र जल कहते हैं, वो क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते हैं किसके ऊपर, ऑन द किंग. किंग के ऊपर क्या करते हैं, जो
प्योर वाटर में पवित्र जो जल है उसे क्या करते हैं टी के ऊपर छिड़कते हैं और सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। फिर आप पढ़ते हैं उसके बाद है फिफ्थ नंबर में है ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल देखते हैं और राजा के लिए क्या लेके आते हैं बहुत सारे गिफ्ट या ट्रिब्यूट्स अपने साथ लेके आते हैं। अब एक पढ़ना और है इसके साथ शूद्रास। शूद्रास एक ऐसी कैटेगरी है जिसको जिनको क्या है अश्वमेधा जो यज्ञ है उनमें पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। इसको हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अश्वमेधा और सैक्रिफाइस है वो क्या है। इसमें एक हॉर्स को रिलीज किया जाता है, मैं अगेन आपको डिस्कस कर देती हूँ। इसमें क्या है हॉर्स को रिलीज करता है एक नए, अब उस हॉर्स को अगर कोई दूसरे किंगडम का जो किंग है वो अगर स्टॉप कर लेता है तो दोनों के बीच में क्या होता है बैटल होता है, फाइट होती है। अब उस फाइट में जो भी किंग विनर होता है वो क्या करता है राजा बनता है। और इस अश्वमेध में इतने लोग पार्टिसिपेट जब ये रिचुअल परफॉर्म करते हैं जब राजा विन हो जाता है उसके बाद क्या होती है पूजा होती है। तो उस पूजा में कौन सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं किंग किंग का सेंट्रल प्लेस होते हैं यानी उसको उनको जो थ्रोन है उसमें बिठा दिया जाता है गद्दी पे। और जो उनकी वाइफ है किंग की वाइफ या सन है उनको भी क्या करते हैं वो भी किंग के साथ क्या करते हैं पूरे रिचुअल में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद किंग ऑफ अदर किंगडम जो अदर किंगडम के जो किंग है जिनको ये किंग इनवाइट करता है वो भी आते हैं इस रिचुअल्स को क्या करते हैं देखते हैं। उसके बाद है प्रिस्ट। प्रिस्ट क्या करता है पूरे जो रिलीजियस जो है कल्चर है या रिचुअल्स है उनको परफॉर्म करते हैं ये सारी पूजा कौन करते हैं प्रिस्ट करते हैं जिनको पुजारी कहते हैं। ये क्या करते हैं किंग के ऊपर क्या करते हैं स्प्रिंकल करते हैं इसके वॉटर को। फिर लास्ट में ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल क्या करते हैं ये अपने किंग के लिए उनके ऑनर में उनके रिस्पेक्ट के लिए करते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते हैं। अब नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज वर्नास। वर्नास क्या है नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज वर्नास। आवर सेकंड टॉपिक इज वर्नास। नाउ व्हाट इज वर्नास। वर्नास पीपल वर क्लासिफाइड बाय द प्रिस्ट इनटू फोर ग्रुप्स। जो प्रिस्ट है उन्होंने क्या किया था पीपल्स को फोर ग्रुप्स में क्या किया था क्लासिफाइड किया था। ईच ग्रुप वाज कॉल्ड वर्ना। अब जो ईच ग्रुप है फोर ग्रुप्स में क्या किया डिवाइडेड किया है ये सारे जो ग्रुप्स है इनको क्या कहा है वर्नास कहा है। अब वर्नास के बेसिस पे क्या है इनके फंक्शंस को क्लासिफाइड किया है। तो जो फर्स्ट पोजीशन या फर्स्ट रैंक है वर्ना सिस्टम में वो है ब्राह्मिन्स की। अब ब्राह्मिन्स का वर्क क्या है ब्राह्मिन्स का मेन फंक्शन है वेदास को टीच करना वेदास को लिसन करना और दूसरों को टीच करना और रिचुअल्स को परफॉर्म करना। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि अश्वमेधा यज्ञ में जो ब्राह्मिन्स होते हैं प्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। अब सेकंड पोजीशन है वर्णा सिस्टम में क्षत्रियास की। इनका बेसिकली मेन फंक्शन क्या है बैटल्स को फाइट करना और अपने किंगडम के पीपल्स को प्रोटेक्ट करना। थर्ड रैंक है वर्णा सिस्टम में वैश्यास या वैश्य की। ये होते हैं ऑर्डिनरी पीपल। इनमें आते हैं फार्मर्स पीजेंट वगैरह ये क्या करते हैं ये जो किंग्स होते हैं उनको अपनी क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। नाउ फोर्थ पोजीशन इन वर्णा सिस्टम इज शूद्रास। जो फोर्थ पोजीशन है वर्णा सिस्टम में वो है शूद्रास की। शूद्रास को बेसिकली अनटचेबल्स माना जाता था। ये किसमें जो हंटर गैदरर्स होते हैं या जो पॉटर मेकर्स होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या फिर एनिमल्स को किल करते हैं उस टाइप के जो लोग हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं शूद्रास कैटेगरी में। अब ये जो कैटेगरीज हैं ये बाय बर्थ ही क्या होती है इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर कोई ब्राह्मिन्स का ब्राह्मिन्स के घर में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो वो क्या बनेगा ब्राह्मिन्स ही बनेगा। अगर क्षत्रिय के घर में कोई सन का जो बर्थ होता है वो क्या बनेगा क्षत्रिया बनेगा। या जो वैश्यास या विष कैटेगरी में जिसका बर्थ होगा वो क्या बनेगा वैश्यास या विष। और जो शूद्रास कैटेगरी में होगा जिसका बर्थ होगा वो शूद्रास ही होगा। अब जो शूद्रास कैटेगरी है इसके जो पीपल्स है मैन और वुमेन ये क्या है रिचुअल्स में क्या कर सकते हैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये जो किंग के जो अश्वमेधा या जितने भी रिचुअल्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट महाजनकदास।